मूर्ति चोरी और जुलूस। साधु, मैं एक साधु के साथ बात कर रहा था। साधु कह रहा था, देखो दाल 9 रुपए किलो हो गई, महंगाई बढ़ती जा रही है। पहले लोग संतोष से कह देते थे, भैया हमें बहुत नहीं चाहिए, हम तो रोटी दाल में जिंदगी चला लेंगे। मगर अब कोई ये भी नहीं कह सकता, रोटी दाल कम से कम है जो आदमी चाहता है। मगर 9-10 रुपए किलो दाल हो तो रोटी दाल से भी नहीं काट सकता। लोग रोटी प्याज के एक गट्ठे के साथ खा लेते हैं, पर प्याज का भी भाव देखो, नमक रोटी से काटना पड़ेगा। मगर आगे चलकर रोटी भी मैसर नहीं हुई तो नमक से तो कटेगी नहीं। साधो, तभी सुबह के अखबार में मंदसौर का समाचार पढ़ा और हम रोटी दाल प्याज नमक सब भूल गए। समाचार ये है, शहर में गायत्री की मूर्ति का सिर काटकर कोई ले गया था। शहर में तनाव, बाजार बंद, कोतवाली पर लोगों ने हमला कर दिया, छात्रों ने जुलूस निकाल दिया, लोग बेहद उत्तेजित हैं। साधो, जब भी हम जिंदगी की किसी गंभीर समस्या पर ध्यान देते हैं, सोचते हैं, तभी ऐसा कुछ हो जाता है और हम उस घटना में उलझ जाते हैं। मुझे याद है, एक दिन एक साधु से बात हो रही थी। वो कह रहा था, छात्रों, युवकों के बार बार उपद्रव करने के ठोस कारण हैं। सबसे बड़ा कारण बेकारी है। नौकरी पक्की हो तो ये सब मन लगाकर पढ़ेंगे, फिर व्यवस्था के संपूर्ण भ्रष्ट जीवन मूल्यों से इन्होंने भी मूल्य सीखे हैं। एक कारण है, राजनीतिक दल आतंकारी छात्र नेता खुद बनाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनसे अपनी राजनीति करवाते हैं। साधो, हम बड़ी गंभीरता से इस समस्या पर विचार कर रहे थे, तभी मेरी अखबार पर नज़र पड़ी। समाचार ये था कि महाराष्ट्र में कंभोज में बाहुबली की मूर्ति पर किन्हीं ने पत्थर फेंके। बाहुबली जैनों के अत्यंत पूज्य प्राचीन पुरुष हैं। इन परमवीर ने भाई की खातिर राज पर अधिकार त्याग दिया था और संन्यास ले लिया था। मगर इस घटना के बाद श्वेतांबर और दिगंबर जैन पंथों में उस स्थान पर अधिकार के लिए विवाद मच गया। मारपीट नहीं हुई, जैन ज़्यादातर व्यापारी हैं, हिंसा पर नहीं उतरते। जैन धर्म का आविर्भाव ही उस युग में हुआ था जब व्यावसायिक पूंजीवाद का विकास हो रहा था। व्यवसाय की सफलता के लिए शांति, अहिंसा, त्याग, क्षमा आदि सहायक होते हैं। ये गुण व्यापारी में नहीं, ग्राहक में होना चाहिए। शांति, अहिंसा, त्याग, क्षमा वगैरह, जहाँ तक व्यापारी का सवाल है, खून न निकले और आदमी मर जाए तो वो अहिंसा है। तो जैन मुनि ने अधिकार के लिए अनशन किया, कई शहरों में बाजार बंद रहे। फिर उसी जगह मराठों ने शिवाजी की प्रतिमा स्थापित करने की जिद की और दलितों ने डॉक्टर अंबेडकर की। चौमुखी झगड़ा। फिर खबर आई कि वो पूरा स्थान सरकारी है और अतिक्रमण किया गया है। इसके बाद धर्म में महाराष्ट्र की राजनीति घुस गई। साधो, अवतारों, भगवानों, पैगंबरों, संतों ने मनुष्यों को विराट बनने की शिक्षा दी, पर वो उसी गुरु के नाम शूद्र हुआ। संतों ने मनुष्यों को सागर बनाना चाहा, मगर अनुयायी छोटे से गंदे डबरे हो गए। दिगंबर और श्वेतांबर में मुक्ति के मार्ग को लेकर विवाद है, पर मुक्ति किसे चाहिए? मुनाफा चाहिए। मगर कर्म कांड निभाए जाएंगे और झगड़ा होगा। बौद्धों का तो इसी पतन और संघर्ष में खात्मा हो गया। साधो, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है आर्थिक और राजनीतिक। जब तक अनेक के शोषण से एक सुखी होना चाहेगा, तब तक धर्म का यही होगा। आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का सवाल है, तभी प्रेम दया की शिक्षा देने वाले नानक देव के मंदिर से घृणा और हिंसा फैलती है। कारण, एक उच्च वर्ग का दल जो बहुत अल्प मत में है और चुनाव जीतकर कभी सरकार नहीं बना सकता, वो आतंक, हिंसा, धमकी से कब्जा करना चाहता है। इसके लिए नारा
धर्म और पंथ का दिया जाता है, जिससे लोग उन्माद में आकर उनका साथ दें। साधो, होता ऐसा ही है। जब कभी देश की, हमारे जीवन की, इस देश के गरीबों की दशा पर हम गंभीरता से सोचते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तभी मूर्ति का सिर उड़ जाता है। मंदिर में चोरी हो जाती है, मंदिर में गाय का मांस फेंक दिया जाता है, मस्जिद में सूअर को मारकर डाल दिया जाता है। यानी इस देश में ऐसी राजनीतिक आर्थिक ताकतें हैं जो हमें ऐसे गंभीर संकल्प में रोकना चाहती हैं, जिससे यथास्थिति टूटे, सामाजिक परिवर्तन की कोशिश हो। हम हाथी से निपटना चाहते हैं तो ये हमारे कुर्ते में चूहा डाल देते हैं, बुनियादी समस्या से हमें निपटने नहीं देते। हमें गाय, चर्बी, सूअर, मूर्ति वगैरह में उलझाए रहते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान इनमें उलझ जाते हैं। साधो, मंदसौर की ये घटना सहज भी हो सकती है और जटिल भी। सहज यों कि देश भर में प्राचीन मूर्तियों की चोरी होती है, वे यूरोप और अमेरिका में ले जाकर बेची जाती हैं। तस्करी ये नियमित धंधा है, इसमें धर्म कहीं नहीं है। मूर्ति का सिर चोरी गया था तो पुलिस में रिपोर्ट करना था, मगर साधो, बात को उलझाने वाले शायद सक्रिय हैं। बाजार बंद और जुलूस का क्या मकसद है? क्या लोग सोचते हैं कि इससे मूर्ति चोरों का दिल बदल जाएगा? जिस पुलिस को चोरों का पता लगाकर मूर्ति का सिर बरामद कराने के लिए कहना था, उस पर पत्थर क्यों बरसाएं? साधो, लगता है चुनाव की तैयारी में ऐसे मामले चोरी के न रहकर सांप्रदायिक राजनीति के हो जाएंगे। मंदसौर क्षेत्र में सांप्रदायिकता प्रबल है। अगर एक सांप्रदायिक दल को लाभ दिखा तो वो ये प्रचार करके कि अमुक धर्म के लोगों ने मूर्ति खंडित कर दी, दंगा करवा सकते हैं। गुंडे और लुटेरे इसमें पूरा सहयोग देंगे। एक चोरी की घटना भयंकर सांप्रदायिक और राजनीतिक रूप ले सकती है। हम इतने असहनशील और अविवेक हो चुके हैं, ये पंजाब की घटनाएं बताती हैं। तरुण छात्र, जिनसे हम क्रांति की उम्मीद करते हैं, मूर्ति के सिर की चोरी के लिए जुलूस निकालते हैं, जिसमें धर्म और अंधविश्वास दिमाग में ऊपर होगा। चर्बी की राजनीति फेल होने पर अब शायद मूर्ति चोरी की राजनीति सांप्रदायिक दल चलाएं।